अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दफ़ा वीडियो के अंदर मेरे पास 2 वीक का गैप आ गया, क्योंकि बीच के अंदर ईद आ गई थी और लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी हो गया था। आज की इस वीडियो का मकसद है कि कराची के अंदर खासतौर पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तकरीबन 40-45 डिग्री तक जा रहा है, जिसकी वजह से एक्वेरियम का टेम्परेचर भी 35-40 के बीच में जा रहा है सबका। तो सब लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनकी मछलियाँ मर रही हैं, कुछ कैसे मेनटेन किया जाए। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो अपनी पोस्ट की थी, सबको दिखाया था कि किस तरीके से सीपीयू फैन के साथ हम लोग इजीली उसका टेम्परेचर जो है 27-28 मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उससे एवेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको रेगुलर वाटर रीफिल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एक्वेरियम के अंदर डेली। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो पानी तो हर किसी के पास है, टैप वाटर भी यूज़ किया जा सकता है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता। डेली आप उसके अंदर जितना पानी कम हो आप ऐड कर दें, तो इससे जो है आपका पानी भी लेवल सेट रहेगा और पानी ठंडा भी रहेगा। इस गर्मी के अंदर जो खासतौर पर मछलियों को मुश्किल पैदा हो रही हैं, वो मर रही हैं, लोग जो हैं परेशान हैं कि कैसे उनको बचाया जाए, तो यही एक हल है। तो सिंपल है कि किसी भी कंप्यूटर शॉप या किसी भी शॉप से जाके आप सीपीयू फैन परचेज कर लें। अब तो बाहर ठेले वालों के पास भी सीपीयू फैन पड़े होते हैं, हमारे पास कराची के अंदर सदर के अंदर है बहुत से ठेले वाले खड़े होते हैं, उनके पास सीपीयू फैन बहुत सारे सीपीयू फैन होते हैं, बहुत सारे अडॉप्टर्स होते हैं। एक सीपीयू फैन आप लें, जितने आपके पास एक्वेरियम है उस हिसाब से देख लें, एक सीपीयू फैन आप ले लें, एक अडॉप्टर ले लें 2.5 एम्पेयर का, कम से कम 2.5 एम्पेयर से 3 एम्पेयर का लिएगा, क्योंकि अगर हल्की पावर का ले लेंगे तो वो बार बार बंद फुल होता रहेगा, बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट होता रहेगा, क्योंकि गर्म होने की वजह से वो यही करता है। 4 एम्पेयर का लेंगे तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, 7-8 घंटे एक साथ चल जाएगा, तो कम से कम 3 एम्पेयर का लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 350 आएगा या 300 तक का आएगा, 2.5 एम्पेयर वाला 150 का आएगा, तो कम से कम 3-4 से 5 जितना बड़ा एम्पेयर का लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, सुकून रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे पास तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं, अभी तक कोई मसला नहीं आया। तो सीपीयू फैन सिंपल आप परचेस कर लें, उसके बाद अडॉप्टर कनेक्ट करें। और हाँ, लोग काफ़ी लोग हुड यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग ओपन यूज़ करते हैं, तो वो आप लोग को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कैसे अपने टैंक में लगाना है। मैंने हुड वाला भी दिखा, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर लास्ट में कैसे मैंने हुड के अंदर लगाया हुआ वो भी मैं दिखा दूंगा, और किस तरीके से मैंने ओपन में रखा हुआ है, ओपन में लगाया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलें, ये आप वीडियो देखें, इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।